एसीपी साहब, मुझे आपका बैच चाहिए। बैच? और बैच के साथ में गन भी देनी पड़ेगी। एसीपी प्रद्युमन, मेरा नाम ले रहे हो? इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तुम्हें हो क्या गया अभिजीत? आपके हाथों में हथकड़ी लगा के यहीं बांध कर रखूंगा मैं। नहीं, गोली मार दूं। नहीं, गन नीचे एसीपी साहब, गन नीचे, गन नीचे सर। देशद्रोह के जुर्म में एसीपी प्रद्युमन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे हाथ में भी हथकड़ी लगाओ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे अभिजीत। दया, हथकड़ी लगाओ। अभिजीत, बात क्या, कुछ तो बताओ। हाँ, क्या हो रहा है? जानना चाहते हैं? ठीक है, फोटो देखो। क्या हुआ? एसीपी साहब के साथ एक आदमी है तो? ये फोटो एसीपी साहब को दिखाओ। क्या है? फोटो की वजह से इतना बड़ा हंगामा? ये आपका दोस्त है ना? हाँ। दया, ये जो आदमी देख रहे हो ना तुम फोटो में एसीपी साहब के साथ, ये एक माना हुआ टेररिस्ट है। जिसे एसीपी साहब ने अपने घर में छुपा रखा है, अपने घर में। ये आदमी टेररिस्ट है? 100%, 100% दया, ये देश का माना हुआ टेररिस्ट है। ठीक है अभिजीत, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं भी ये प्रूव कर सकता हूं कि ये आदमी टेररिस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे घर। सब लोग रेडी? अभिजीत, वो टेररिस्ट नहीं है, मेरी बात मानो। सर, एक मिनट, ये कैमरा लगा हुआ है सर, मतलब घर के अंदर कोई आएगा या जाएगा वो रिकॉर्डिंग में दिखेगा ही, है ना सर? हाँ। और आपके हाथ की उंगलियों चेक किए बगैर ये दरवाजा खुलेगा नहीं, इसलिए सर आप अपना हाथ स्कैनर पर रखिए और ये दरवाजा खोलिए। सर प्लीज, दरवाजा खोलिए। मिलो उसे। अंशुल, अंशुल, एक मिनट सर, एक मिनट, पहले हम लोग जाएंगे। विवेक रेडी, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? बाहर तो नहीं गया? नहीं सर। अंशुल, अंशुल, एक मिनट सर, एक मिनट। माय गॉड, आइए एसीपी साहब, मिल लीजिए अपने दोस्त से। दोस्त है? लाश सर, आपके घर में लाश? सर, ये आपका दोस्त है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। ये गन? ये गन तो कुछ जानी पहचानी लगती है। ये आपकी गन है? मेरी गन है। विवेक, रिकॉर्डर में से चिप निकाल लो, ब्यूरो में चला के देखेंगे कौन कौन घर में आया था, कौन कौन बाहर गया था।
आपके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। एसीपी प्रद्युमन के घर में आने जाने वाला एक भी आदमी इस कैमरे से बच नहीं सकता है, मगर बीच की रिकॉर्डिंग गायब है। क्यों? क्या मतलब, तुम लोगों ने क्या कर दिया? नहीं 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 सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। और ये सब किया है एसीपी प्रद्युमन ने। कुछ लोग आपके घर में आए थे, उनके साथ मिलकर आपने उस आदमी का खून किया और बाद में रिकॉर्डिंग में से उन लोगों का नामोनिशान मिटा दिया। सर सर, कुछ तो कारण होगा जो आपने ये रिकॉर्डिंग मिटा दी। मैं तो कहता हूँ ये गड़बड़ तुम लोगों ने ही करी है। आपके कैमरे से रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे मिटा सकते हैं एसीपी साहब? एसीपी प्रद्युमन जैसे चालाक और होशियार आदमी से हम लोग पंगा कैसे ले सकते हैं सर? पंगा तो तुमने ले लिया है अभिजीत, ले लिया है। दया ये जल्दी से एसीपी बनने के सपने देख रहा है और इसीलिए मुझे फंसाया जा रहा है। कौन आया था घर में? नहीं मालूम मुझे। उस आदमी का खून किसने किया सर? मालूम नहीं। घर में लाश कहाँ से आई? दया समझाओ इसे। नहीं मालूम मुझे। मुझे आपको एसीपी कहने में शर्म आने लगी है सर। आया तुम नहीं? हाँ सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दया डैम इट, मेरी बातों का यकीन करो। मैंने नहीं मारा है उस आदमी को, ना मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो फिर सर वो लाश आपके घर में आई कहाँ से? नहीं मालूम मुझे। ठीक है, ये लीजिए आपकी फांसी का ऑर्डर। मैं सीआईडी ब्यूरो के बाहर ही खड़ा हूं, दो मिनट में पता चल जाएगा कि ये बात सच है या नहीं, समझे? एसीपी प्रद्युमन देशद्रोह के अपराध में पकड़ा गया है, अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट, समझे? एसीपी प्रद्युमन अंदर बंद। जो गन लाश के पास से मिली थी वो आपकी है, उसमें जो उंगलियों के निशान है वो भी आपके है। प्लीज सर, आप सच सच क्यों नहीं बता देते, हुआ क्या है? मैंने नहीं मारा उस आदमी को। फिर किसने मारा सर? तुम सोचो था यार, अगर मैंने उस आदमी को मारा है तो उसकी लाश मैं अपने घर में क्यों छोड़ूंगा? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। इस आदमी को मालूम था कि आपने अपने टेररिस्ट दोस्त के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की है, इसलिए इसे ऊपर पहुंचा दिया, मगर लाश हटाने से पहले आप पकड़े गए। क्यों सर, यही हुआ है ना? क्या नाम सुना पक रहे हो तुम? क्या ये झूठ बोल रहा है? झूठ है ये सर। नहीं दे, ये ऐसे नहीं बताने वाले। इनके साथ भी हमें वही करना पड़ेगा जो इन्होंने हमें सिखाया दूसरे क्रिमिनल के साथ करने के लिए। क्या, क्या मतलब? मतलब भाई तुम्हारा वो थप्पड़। अभिजीत, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता एसीपी साहब के साथ, मैं बाहर जा रहा हूं। भला इसे मैं मिस्टर प्रद्युमन आप सच सच बता दो और जल्दी से खत्म करो ये मामला। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत टेढ़ा आदमी, नाक पर मच्छी भी बैठने नहीं देता हा? और दुनिया भर को जूते की नोक पर रखता है। एक दो बार तो मैंने अपने न्यूज चैनल पे उसकी खाल उधेड़ ली, लेकिन लगता है इस बार तो एसीपी की कहानी खत्म हो गई। ये तो वही न्यूज चैनल का एडिटर जिसके साथ एसीपी साहब का पंगा हो गया था, ये कहां से आ गया यहां पे? ए मिस्टर, यहां से किसको? अरे मुझे अंदर जाने दो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे तुम्हारे सीएड में क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। देखो ये ब्यूरो है, ब्यूरो, आप अंदर नहीं जा सकते, समझे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ। अरे आज तुम्हें एक चैनल लाया हूँ, बाद में सब चैनल। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझे सब पता है एसीपी ने क्या किया है, जाने दो मुझे। आगे नहीं जा सकते। देखिए हाथ मत लगाओ, हाथ नीचे, मैं कहता हूँ हाथ नीचे, कोई नहीं लेगा। नहीं, नहीं। ये क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं दोनों की। ऐसा मत कीजिए सर, खोपड़ी उड़ा दूंगा। गन नीचे रखिए आप। तुम्हें क्या लगा एसीपी प्रद्युमन इसका पागल है, बेवकूफ है? जो जो तुम जैसे मामूली सीआईडी ऑफिसर से फंस जाए। प्लीज प्लीज सर रिलैक्स। ये क्या मिस्टर प्रद्युमन, पागलपन मत करो। अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा तुम दोनों को क्या कर सकता है एसीपी प्रद्युमन। ये क्या कर रहा है सर? रिलैक्स प्लीज, गन नीचे कीजिए। अब जी तुम भी गन नीचे करो प्लीज। नहीं सर, गोली चल जाएगी। मार दूंगा मैं तुम दोनों को, समझे? बहुत तंग किया तुम दोनों ने मुझे। प्लीज सर, गन फेंक दो सर, प्लीज गन फेंक दो। देखो अब तुम अपराधी हो, अब एसीपी नहीं हो प्रद्युमन। नाम लेता है तेरी ऐसी की।
शिव साहब। एसीपी को गोली मार दी? ये नहीं, पहले इन्होंने गोली मारी। अरे ये तुम्हारा बॉस था? नहीं नहीं नहीं, ये तो अरेस्ट हो गए थे। तुमने गोली क्यों मारी? ये तो मर गया। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था साहब। अपने बॉस की जान लेकर के फर्ज निभाया तुमने? नहीं, वो क्या, हम लोग पूछताछ कर रहे थे सर, पहले अचानक इन्होंने गन निकाल ली और फिर गोली चला दी सर। अभिजीत, मैंने सुना है तुम्हारा निशाना बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, तो क्या हुआ सर? तो सीधे दिल में गोली क्यों मारी? टांग पर भी मार सकते थे। वो सर ऐसा कि पागल जैसे हो गए थे एसीपी साहब सर, कुछ सुन नहीं रहे थे। वो और भी गोली चलाने वाले थे। और भी गोली चलाने वाले थे? चलाई तो नहीं ना गोली? मारने का मौका ही नहीं दिया। अरे यार तुम भी यार, तुम तो थे ना यार वहां पे सर, सारा ड्रामा देखा है तुमने। अभिजीत, मैं तुम्हें बोल रहा था संभालो संभालो, मगर तुमने मेरी बात सुनी थी। वो तो अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ये बात मान गए कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए एसीपी पे गोली चलाई, वरना आज सड़ रहे होते जेल में। यार सर, प्लीज सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं सीआईडी छोड़ दूंगा सर, मैं कभी गन को हाथ नहीं लगाऊंगा सर, प्लीज एक बार कह दीजिए सर कि अभिजीत चाहो तुम्हें माफ किया सर। जब तुम ब्यूरो में चिल्ला चिल्ला कर एसीपी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तब माफी मांगनी चाहिए थी इनसे, अभी नहीं। यार क्या तुम भी तो थे वहां पे इंटरोगेशन रूम में, तब क्यों नहीं रोका मुझे? ये लो पढ़ लो इसे। क्या पढ़ लो? लाश के पास आप लोगों को जो गन मिली थी उस पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो हैं तो एसीपी साहब के, लेकिन पुराने। फिंगरप्रिंट्स पुराने? हाँ, बहुत पुराने। और ये लाश, इस आदमी को एसीपी साहब ने नहीं मारा। ये जो एसीपी साहब के घर से मिले? हाँ, ये इसे भी एसीपी साहब ने नहीं मारा। झटके पे झटके दिए जा रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं? ये देखो, इसे गोली यहां लगी। एसीपी साहब की हाइट के हिसाब से इस आदमी को गोली यहां लगनी चाहिए थी। एसीपी की हाइट इससे कम है,
लेकिन इसे गोली यहां लगी, यहां, और गोली एकदम सीधी लगी, ना ऐसे ना ऐसे। बस इस आदमी को गोली एसीपी साहब ने मारी ही नहीं। माय गॉड सर, सर मैंने एसीपी सर के घर के आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछताछ कर ली है, मगर कोई भी इस मरे हुए आदमी और उस टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है सर। हमें जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि ये आतंकवादी करने क्या वाला है और उसने एसीपी साहब के घर में इस आदमी का खून क्यों किया। उस आदमी के हाथ पे वो जो कटा हुआ निशान है, उससे कुछ पता लग जाए तो लग जाए, और कुछ तो है नहीं हमारे हाथ में। वो खबरी है ना पनौतिया, उसको फोटो दिखाते हैं, उसे काफी जानकारी रहती है इन लोगों के बारे में। सर जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो नौकरी से हाथ तो बैठेंगे। विवेक, देखूंगा कैसे एसीपी साहब की लाश को। सर टेबल, किसी भी तरह एसीपी साहब जिंदा हो जाए तो। सर अब कनेक्शन लग गई। इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एसीपी साहब को करंट लगाकर जिंदा करने वाले थे। तुम लोग एसीपी साहब को करंट लगाने वाले थे? वो फ्रेडी सर का आइडिया था। अरे विवेक, सर मैं एसीपी साहब को जिंदा करने की चीज कर रहा था सर। क्या कर रहे हो तुम तीनों यहाँ पर? सर वो मैं आपसे ये पूछने आया था कि क्या मेडिकल साइंस से हम एसीपी साहब को फिर से जिंदा नहीं कर सकते? बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार दया। एसीपी प्रद्युमन इज डेड, वो मर चुका। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई है, आप यहाँ वहां पूछते क्यों नहीं सर? एसीपी इज डेड, से ज्यादा दुख और किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो वापस नहीं आ सकता। लगा दिया आधे घंटे से तुझे देख रहा हूं मैं, आधे घंटे से यहीं पे हूं मैं। क्यों, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या साहब? हाँ तेरे पे भरोसा नहीं रह गया मुझे। क्यों साहब, फिर बुलाया क्यों मुझे? ये देखने के लिए कि तू सच बोलता है कि नहीं। ये देख, जानता है इसे? ये आप बेना साहब मजाक करते हैं आप उनके साथ, ये तो एसीपी साहब है ना आपका। तेरी तो, एसीपी साहब को मैं भी जानता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो साथ में खड़ा ये कौन है? ये हाँ साहब, ये आदमी ठीक नहीं साहब, बहुत खतरनाक आदमी है साहब। तू जानता है इसे साहब? पंतिया मेरे को बोला था एक आदमी आया। कहां पे है ये साहब? सूरती कॉलोनी मलहट में।
ये पते वहीं पे रहता है ना? हाँ, बुलाया था उसने मुझे। तूने देखा था? तूने देखा इस आदमी को वहां पे? हाँ, हाँ सर। तो पहले क्यों नहीं बोला मुझे? इसीलिए बोला था मैंने तुझे, तेरे पे भरोसा नहीं है मुझे। ये ले। और कहाँ कहाँ पे दिखाते ये आदमी? साहब, चौल नंबर 226 में। चौल नंबर 226। चल। रेडी, जल्दी 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 चलो। से तुम्हारे यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ था? सब कल रात तो मेरे पति के दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। उसके हाथ पे ऐसा कटे हुए के निशान है? हाँ सब, ऐसा एक निशान था उसके हाथ पे। कहाँ है वो आदमी? सब, अभी अभी वो आदमी मेरे पति के साथ बैठ के टैक्सी पे गया है सर। वो आदमी वापस आने वाला? वापस आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता सब, पर हाँ सब वो एक बैग लेकर गया है और एक अंदर ही पड़ा है सब। एक बैग यहीं पे है? कहाँ? मैं दिखाती हूँ। कौन सा? ये वाला बैग है? नहीं विवेक, हाथ मत लगाओ इसे, बम वगैरह हो सकता है। बहुत संभाल के सावधानी से उठाओ इसे। आपके पति के पास मोबाइल फोन है? सब है। जल्दी फोन लगाइए उन्हें। तेरी वाइफ का फोन है यार। जरा देख लेना यार, क्या बोल रही है? कुछ जरूरी काम है इसलिए फोन कर रही है ना। अरे तू बात करना यार। अरे यार देख रहा है ना, गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो उमेश, मैं अभी तुम्हें जो कुछ भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, बिना कुछ बोले, ठीक है? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से, और अभी जो तुम्हारे साथ टैक्सी में बैठा है वो एक खतरनाक आतंकवादी है, होशियार रहना। और तुम उसे कहां पर छोड़ोगे ये तुम हमें बता दो। हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है, और हाँ, जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते उसे टैक्सी में घुमाते रहना। डॉल्फी टावर कांदिवली। ओके। वो उसे डॉल्फी टावर लेके जा रहा है कांदिवली में, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। आपकी टैक्सी का नंबर क्या है? क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं, पूछ रही थी कहां जा रहे हो और कब तक वापस आ जाओगे। गोली मार दिया ड्राइवर गर्दन पे। सर ये बेचारा टैक्सी ड्राइवर बिना बात के मारा गया। अब तो सिर्फ वो आतंकवादी का बैग है जिससे हम उसके बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। वो टेररिस्ट खुद भाग गया और बैग छोड़ गया। कुछ प्लानिंग करके ही छोड़ा होगा उसने ये बैग, क्योंकि उसे मालूम था आज नहीं तो कल CID वाले वहां तक पहुंचेंगे और आते ही बैग जरूर खोलेंगे। हो इस बैग के अंदर कोई वायर वगैरह चिपकाया होगा। ये जैसे ही ये खुलेगा बैग फट जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आ गया? आइए। विवेक ये जरा इसका कनेक्शन दो मुझे। चल सर 220 240 अरे कहीं भी लगा दे विवेक यार, पर मुझे कनेक्शन दे दे जल्दी। ये सर डन डन।
इस बैग को खोलने की कोशिश तो नहीं की किसी ने? क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब, बनना है क्या हम लोगों को? वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए। ये लो बॉस, इस स्कैनर से मैं बैग स्कैन कर लूंगा। बॉम्ब या केमिकल का जरा सा भी ट्रेस होगा ना तो इससे पता चल जाएगा। ये बैग खोलना पड़ेगा ना? हाँ दया, उसका भी इंसाफ है। सर, बैग फटेगा तो नहीं ना? फटेगा तो देखें। देखो बॉस, ये एक लेजर स्कैन है और ये जो नंबर वाला लॉक है ना, हमें इस लेजर स्कैन से उसका कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा। मगर बॉम अगर लॉक में हुआ तो? हुआ तो हुआ। ये बॉम स्कॉट वाला अभी तक क्यों नहीं आया? ताशा, कहाँ है स्कॉट वाला? सर, वो अपना सूट पहन रहे हैं। जल्दी जाओ, बुला के ला उसको। बैग का ताला तो खोलना ही पड़ेगा, तभी तो बैग खोलेगा। तो खोल देते सर। ये तो खुल गया। दूसरा बाकी है। क्या भाई, तुम ये ताला खोल सकते हो क्या? नहीं, एक बार अगर आप बैग खोल दोगे तो उसके बाद मैं बम को नाकाम कर दूंगा। ओके। एक तो खुल गया, दूसरा भी हो गया। बस तीसरा भी खुल गया। बस नहीं भाई, लॉक खुल गया, अब तू बैग खोल ले आके। पीछे हट जा, पीछे हट जा।
सुसाइड बॉम्बर की जैकेट। चीजें हैं ना बॉस, इसका मतलब इस बैग में पहले काफी आरडीएक्स रखा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। तैयार है लेकिन इसमें बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब नहीं? तो यहाँ से बॉम्ब निकाल के उसे कहीं और लगाया होगा तो दूसरा जैकेट लेके क्या होगा? ठीक है, ये देखो, ये पूरे शहर का नक्शा है। अभिजीत ये देखो, ये बॉम्ब बनाने के स्पेशल पूरा तरीका है बॉस, ये देखो। लगता है यहाँ पे लगाएगा वो सब। डॉक्टर साहब ये देखिए, बस ये केमिकल्स शायद बम बनाने के हैं। ये आदमी शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। ये आदमी बम ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने एसीपी साहब को फंसाया है। उनके घर में छुप के बैठा था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन मुझे पता चल गया। मगर सर अब इस आदमी को ढूंढेंगे कहाँ सर? हाँ सर, अब तक तो उसने अपना नाम भी बदल दिया होगा। नाम बदल दिया तो क्या हुआ? उसके हाथ पे निशान है ना कटा हुआ, स्टिचेस लगे हुए हैं। सर मगर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है? जहाँ जहाँ भीड़ होगी बम वहीं फटेगा। शहर में जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके बारे में पता करो। और एक बात और, उसने एसीपी साहब को फंसाया है और उसको हम लोगों के बारे में सब कुछ पता है। उसे पता चल गया कि सीआईडी उसके पीछे लग गई है, वो हमारे फैमिली पे अटैक कर सकता है। क्या एक काम करो, अपनी अपनी फैमिली वालों को होशियार कर दो। सब चार है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तो चार है? अरे ऐसे कैसे ना बोल रहा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता तुझे मालूम ना हो। क्या बोला? सब मालूम है इसे, मुंह नहीं खोल रहा है। आज शाम को उठा लेते हैं। क्या? ये देखो, शहर में चार बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। चार बड़े प्रोग्राम? अरे चारों के चारों एक साथ क्यों हो रहे हैं? और चारों बड़े प्रोग्राम है बॉस। अरे यार इन्हें भी तो सोचना चाहिए, चार बड़े बड़े फंक्शन एक साथ में रख दिए। मतलब इतने बड़े बड़े लोग एक साथ एक जगह पे, 100 से ज्यादा लोग रहेंगे एक एक फंक्शन में। पर भगवान ना करे अगर कोई बम बम फट गया तो। और चारों प्रोग्राम अगले 2 दिनों में ही है। एक तो ये मीटिंग है सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की, जहां सब टॉप के ऑफिसर्स आने वाले हैं। ये 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 कब है यार? परसों है, और कल शादी भी है डिप्यूटी होम मिनिस्टर के घर में। अरे ये क्या, ये उद्घाटन समारोह विज्ञान केंद्र में? देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा होने वाले। सर चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पानी को लेकर, आजकल पानी की बहुत बड़ी समस्या है ना। अभिजीत अगर वो आदमी ब्लास्ट करेगा तो इन्हीं जगहों पे करेगा। सर आता, क्या पता चला?
सर उस टैक्सी ड्राइवर के घर में से जो कपड़े मिले थे ना सर, सर उनमें से ये जो पैंट है उससे काफी कुछ पता चला। पैंट फटी हुई है क्या? नहीं सर, पैंट फटी हुई नहीं है। पैंट की लंबाई एक तरफ से बड़ी है और दूसरे तरफ से छोटी। ओ, मतलब इस आदमी का एक पैर लंबा है और एक छोटा। यस सर। शायद ये आदमी लंगड़ा के चलता होगा। अगर ऐसा है ना सर, हम लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल फ्रेडी, ढूंढ सकते हैं। और एक बात, अगर वो अपने सारे कपड़े उस बैग में छोड़ गया है तो फिर उसे और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और वो नए कपड़े जरूर खरीदेगा। या तो वो कपड़े खरीदने किसी दुकान में जाएगा, और अगर वो खुलेआम किसी दुकान में जाने से डर रहा हो तो फिर किसी छोटे मोटे टेलर के पास जा सकता है कपड़े सिलवाने। और टेलर के पास गया होगा तो शहर के सारे टेलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक एक से पूछ सकते हैं कि इस तरह का कोई आदमी उनके पास आया है। तुम लोगों ने ये चला क्या रखा है? एसीपी पर इल्जाम लगा के उन्हें तो ऊपर पहुंचाते हो। अब तुम चाहते हो मैं भी जेल चला जाऊं? बेइज्जत होकर धक्के खाकर फॉरेंसिक लैब से बाहर निकाला जाए? ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर बात क्या डॉक्टर साहब? एसीपी अब मुझे बताना पड़ेगा कि बात क्या है। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? एसीपी प्रद्युमन की लाश कहाँ है? एसीपी साहब की लाश? क्या एसीपी साहब की लाश गायब है? देखिए सीआईडी और यहाँ मेरे पास ये पैन देखिए, तो एक साइड बड़ा है और एक छोटा। इस तरह की पैन बनवाने कोई आदमी आया था क्या? लेकिन साहब आप लोग मेरे पास ही क्यों आए हैं? हम लोगों ने पूरा शहर छाना, एक एक टेलर के पास गए हैं हम लोग, तब हम आपके पास। कोई पैन बनाई है? हाँ साहब बनाई है। प्रद्युमन की लाश को कोई चुरा करके ले गया फॉरेंसिक लैब में। क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी है लैब के बाहर, कैसे कोई लाश लेके चला गया वहां से? वही तो मैं भी कह रहा हूं, जिस किसी को भी फॉरेंसिक लैब के बारे में अच्छी तरह से पता है वही कर सकता है ऐसा। तो फिर आप ये बात सिर्फ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एसीपी प्रद्युमन की लाश तुमने चुराई है? मैं क्यों चुराऊंगा एसीपी साहब की लाश को? ये तो तुम ही बता सकते हो। अरे डॉक्टर साहब मैं कैसे बता सकता हूं? तुम आए थे ना मेरे पास ये पूछने के लिए कि प्रद्युमन को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है या नहीं? उस आदमी को जानते हो? कहाँ रहता है वो? नहीं साहब ये तो मालूम नहीं। सर वो टेलर मिल गया। कब लेने आएगा वो कपड़े? सर कपड़े तो उसके चले गए। चले गए कब? आज सुबह। औरत आई थी। औरत? सर सुबह एक औरत आई थी ना कपड़े। कौन थी वो औरत? मालूम नहीं साहब कौन थी, मगर कुछ डरी डरी सी थी और जल्दी में भी थी। कह रही थी कि जल्दी कपड़े दे दो। कुछ बोला उसने? किस बात की जल्दी थी? ये आदमी शायद कहीं शादी में जाने वाला है। शादी में? हाँ हाँ बैंड में काम करता है ना। बैंड में काम? साहब बैंड वाले जो कपड़े पहनते हैं ना उसकी वैसी एक पैंट बनाई है। जैसे कपड़े पहनते हैं उस आदमी ने वैसी ही पहनी। मिनिस्टर के यहाँ पे जो शादी है शायद वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। क्यों बजा रहे हो? हैं शादी तो वहां पे है साहब। शादी में अभी थोड़ी देर है,
हम लोगों ने सोचा प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस? ये तुम लोगों के यहाँ पे आज कोई नया आदमी आने वाला था क्या? हा? आने वाला तो था मगर आया नहीं। मैं संभाल कर। क्यों नहीं आया? हमारे बैंड वाले में से एक की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा मेरी जगह मेरा रिश्तेदार आएगा, उसे घर जाके ले आना। क्या रिश्तेदार को घर से लाना? हाँ हम गए तो थे मगर वो आया ही नहीं। ये आदमी एक पैसे लगड़ाता है? जो आदमी आया नहीं उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? अभिजीत वही है। कहाँ से लाने के लिए बुला था? बुरा चाल। सुदन कहाँ रहता है मालूम है क्या? कौन वो बैंड वाला? हाँ भाई मालूम है। हाँ साहब वो परन्नी गली में रहता है साहब। चलो उसका घर दिखाओ। चलिए साहब। आओ। क्या मामला है साहब? सीआईडी का मामला है, घर दिखाओ उसका। सीआईडी का मामला? कहाँ है? आइए इधर से साहब। ये घर है साहब। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक आदमी था यहाँ पे, कहाँ है वो? वो मार गए, मार गए। कहाँ गए? एक कुछ हो जाएगा मेरे हाथ से, जल्दी बता कहाँ गया वो? क्या क्या प्लान किया उसने? हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? पता था, पता। बोल बोल जल्दी बोल। वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा। क्या क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम। तेरे घर में तेरे साथ रहते हैं बोलना मुझे मालूम नहीं। बोल वादी कहाँ से आया? हाँ तेरा पुराना दोस्त है वो? वो आदमी यहाँ कहाँ से आया था? मेरे दोस्त के साथ आया था। क्या उसे मुझे मालूम था इतना खतरनाक आदमी है, तूने सीआईडी को बताया क्यों नहीं? सर मुझे मारने की धमकी देता है, उसने मेरे दोस्त को मार डाला था। सर किसको किसको मारा? चेंगरे को उसने मारा था और उसकी लाश ऐसे साहब के घर में थी। ऐसे साहब के घर में जो लाश थी उसके दोस्त की थी। किसका फोन है? वाइफ का सर। हेलो आदमी अब लगड़ा नहीं रहा, इसने अपने दोनों पैरों की लंबाई बराबर कर ली है ताकि इसके चाल से कोई इसे पहचान न सके। मगर ये बम फोड़ने वाला कहाँ है? ये बैग
आंधे ये देखो इतने सारे आईडी कार्ड्स हर रोज क्या नए कार्ड बनाते हैं और इस सारे के सारे लैमिनेटेड हैं इसका मतलब ये कार्ड यहां बनाता है मगर इसे लैमिनेशन करने के लिए बाहर कहीं दुकान में ले जाता है इस दुकान के बारे में पता करते हैं अभिजीत यहां से आगे तीसरे सिग्नल पे एक जेरोक्स की दुकान है वहां पे वो शायद लैमिनेशन करता है ये आदमी हर जगह पे हमसे एक कदम आगे है वाइफ हेलो तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो क्यों पूछ रही हो बार बार कि मैं कहां जा रहा हूं अच्छा ठीक है ओके कम से कम 20 बार फोन कर चुकी है मेरी वाइफ पहले तो ऐसे कभी करती नहीं थी हां वही मैं भी सोच रहा हूं क्यों फोन कर रही है हां जी कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है दया गड़बड़ है उस टेररिस्ट को हमारी सारी बातें कैसे पता चल रही है हमें पता चला कि वो लंगड़ा है तो उसने नए जूते बनवा लिए हमें पता चला कि वो बैंड वाला बन गया है तो वो शादी में आया ही नहीं और टेलर के पास पैंट लेने के लिए उसने एक औरत को भेजा जो डरी डरी सी थी मतलब ये सारी बातें मेरी वाइफ बता रही है उसे फ्रेडी तुम अपनी वाइफ को फोन करो जल्दी लगा नहीं उठा रही है सर फिर से ट्राई करो फ्रेडी फिर से ट्राई करो नहीं उठा रही है हो सकता है कि वो मुसीबत में होंगी दे गाड़ी घुमा रेडी के घर चलते हैं और विवेक तुम उस लेमिनेशन वाले के बारे में पता करो यही कहीं होना चाहिए ओके मनीषा मनीषा दरवाजा खोलो मनीषा मनीषा दरवाजा खोलो मनीषा 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 दरवाजा खोलो मेरी वाइफ मुझे बार बार फोन कर रही है मनीषा प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो ना मनीषा कहीं अंदर तो नहीं मनीषा के कोलो मनीषा मैं मर जाऊंगा मनीषा सर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वाइफ इतने प्रॉब्लम है सर मनीषा सर ये तो जिंदा है जिंदा है सर इनकी की बॉडी पर कहीं भी चोट वगैरह नहीं है शायद क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया होगा क्लोरोफॉर्म सर मैं भी उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा सूंघा के मारूंगा सर हाँ विवेक मिल गई वो लेमिनेशन की दुकान हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तुम वापस आ जाओ जब वो देश भर के साइंटिस्ट का जो फंक्शन हो रहा है ना कॉन्फ्रेंस उसका आईडी कार्ड बनाया उसने सारे साइंटिस्ट मारे जाएंगे हटिए प्लीज लगता है कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई चलो अच्छा हुआ अभी तक कुछ हुआ नहीं एक्सक्यूज मी एक मिनट यही लगता है कि उनकी बेइज्जती कर रहे हैं एक्सक्यूज मी सर एक
हाथ का निशान देखिए, बस वही तो एक निशान है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। प्रद्युमन, ये तेरे घर पे ही मैंने मार दिया होता तो क्या होता? मुझे मालूम था तू अगर जिंदा रहेगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। खैर, अब मारूंगा तुझे। ये देख। तेरा रिमोट मेरे पास। अरे मैं तबाही मचा दूंगा, तबाही मचा दूंगा मैं, तू देख लेना। अरे ये विवेक कल से बीच में आ गया। सरेंडर कर दो। उड़ा देगा, चल उड़ा। उसके जैकेट पे गोली मारो, पेपर लग जाएगी सर। मारो गोली, विवेक को कुछ नहीं होगा। भगवान का शुक्रिया सर, आप बच गए सर। ये सब करना पड़ता है बेटी, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सब करना पड़ता है। सर, अगर आपने ऐसा क्यों किया? अरे एसीपी साहब की जान के पीछे पड़ गया थी। इसका पूरा प्लान जानने के लिए जरूरी हो गया था एसीपी साहब की मौत का नाटक किया जाए। और सर प्लीज, आइंदा हम लोगों से ऐसा कुछ करने के लिए मत कहिएगा, ये हम लोगों से नहीं होगा सर, प्लीज। हाँ सर, एक बार हो गया, अब दोबारा मैं आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। और प्लीज सर, आप ये अरेस्ट करने का गुनाह मुझसे दोबारा मत कराइएगा प्लीज सर। अभिजीत, अरे ये तो मैंने ही कहा था ना तुम दोनों को करने के लिए, ड्रामा ही तो था। सोच रहा था एसीपी प्रद्युमन तो मर गया, अब उसे कौन पकड़ेगा है? वो सब ड्रामा न्यूज में फैलाने के लिए किया था आप लोगों ने? अरे और नहीं तो क्या प्रेडी, और नहीं तो क्या, ताकि इसे पता चलता रहे कि सीआईडी में क्या क्या हो रहा है। और सर, हम तो फोरेंसिक लैब में आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी देने गए थे, आपको करंट लगाकर जिंदा करने वाले। सब सुन रहा था मैं वहाँ लेटे लेटे स्ट्रेचर पर, समझे? अभिजीत, ये दोनों पागल तो मुझे ऊपर पहुंचाने की तैयारी में ही लगे हुए थे, और मैं स्ट्रेचर पर से भागने की तैयारी में था।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.